जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी। और दोस्तों, आज का ये वीडियो, जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने थंबनेल में लिखा है कि आप फौजी बन सकते नहीं। तो दोस्तों, क्यों नहीं बन सकते, उसके पीछे का रीज़न भी जान लीजिए। ये उन लोगों के लिए है जो हर बार हताश हो जाते हैं, जिनको पता ही नहीं चलता कि वो क्यों पिछड़ जाते हैं ज़िंदगी में। उनका सपना तो रहता है फौज ज्वाइन करने का या फौजी बनने का, लेकिन बन नहीं पाते हैं। उसका रीज़न क्या दोस्तों, कि जिसकी भी एज अभी, ये उन सभी के लिए हैं जिनकी एज अभी 16 साल से 23 साल के बीच की है दोस्तों। ये एज ग्रुप वाले के लिए पूरा का पूरा वीडियो दोस्तों। अगर आप इसी एज ग्रुप में आते हो तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों। तो दोस्तों बता दूं, क्योंकि कई लोग मेरे जो भाई दोस्त है छोटे, उनको पता नहीं रहता इस एज में। आप देखिए कि ये सबसे सेंसिटिव एज होता है सभी के लिए, और इस एज में आप क्या देखते हो वही हरकत आप करने लग जाते हो दोस्तों। अभी जो ज़्यादा चलन चल रहा है वेब सीरीज़ का दोस्तों, ज़्यादातर जो मेरे छोटे भाई हैं वो ये वेब सीरीज़ों में बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं और उन्हीं में पड़े रहते हैं। वेब सीरीज़ देखते रहते हैं, दूसरे वेब सीरीज पार्ट का वेट करते रहते हैं कि बाबा जाने सबके मन की बात, जपनाम एक रूप माँ स्वरूप। दिमाग में तो हर टाइम ये रहता है दोस्तों। अगर ये अभी आपकी इस एज में अगर आप वेब सीरीज़ों के इनके चक्कर में पड़ गए दोस्तों, आप मान के चलिए आपके दिमाग में से ये निकलेगी नहीं। क्यों? एक सीज़न ख़त्म, दूसरा सीज़न स्टार्ट कर देंगे वो लोग, दूसरा ख़त्म तीसरा चैप्टर, तीसरा ख़त्म चौथा चैप्टर, बस बाबा जाने मन की बात, बाबा कुछ घंटा ना जाने मन की बात, आपके मन की बात आप ही जानते हो। तो दोस्तों, इनके चक्कर में मत पड़िए। एक दूसरी बात मैं आपको बता दूँ साथी, कोई सी भी वेब सीरीज आप उठा के देख लेना जिसमें ज़्यादातर लोग कनेक्ट होते हैं, इनको पता है कि जो ये एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होती है, तो आपको अश्लीलता भरी ही वेब सीरीज मिलेगी। टोटल जो भी वेब सीरीज हिट वेब सीरीज है, चाहे मिर्ज़ापुर ले लो, आश्रम ले लो, सी ले लो, और भी जितनी भी वेब सीरीज हैं, किसी को भी उठा के देख लो दोस्तों, इनमें अश्लीलता भर भर के पड़ी है। और इसकी वजह से आप हो जाते हो इनसे कनेक्ट, क्योंकि ये जो एज ग्रुप होता है 16 साल से 23 साल का, इनमें ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही एक्टिव होती है। और ये सभी के हार्मोन्स होते हैं, इसमें आपकी गलती नहीं है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, ये सभी के हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि इस एज में इन चीज़ों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं और ऐसी हरकतें करना भी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो लेकिन अगर दोस्तों आपका सपना है फौजी बनना, तो इन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा आपको। आप कोई भी इस प्रकार की वेब सीरीज में, तो पहले बोलता हूँ, आप वेब सीरीज देखें नहीं, इसके बजाय अगर कोई मूवी देखना मनोरंजन के लिए तो मूवी देख लीजिए, गाने देख लीजिए, लेकिन वेब सीरीज ना देखें दोस्तों। वेब सीरीज क्योंकि आपको कनेक्ट करके रखती है और अगली वेब सीरीज तक आप इंतज़ार करते रहते हो उसका, आपके दिमाग में से वो निकलती नहीं, उससे पहले अगला चैप्टर आ जाता है। फिर होता क्या है कि जब इन वेब सीरीज़ों की आप अश्लीलता, कोई भी वेब सीरीज उठा लेना, चाहे एकता कपूर की उठा लेना, चाहे किसी की भी उठा लेना, दबा के मतलब भर भर के अश्लीलता रखी है, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली डाइवर्ट कर देंगे वो लोग, उस चीज़ में आपका दिमाग जाएगा, उसके बाद में आप गंदी फिल्में देखने लग जाओ, प्रोन साइड पर चले जाओगे, पोन साइडों पर जाके गंदी फिल्में देखोगे। अगर आप एक बार वहाँ पर चले गए दोस्तों, याद रखिए, एक बार अगर आप वहाँ पर चल गए, एक बार आपको उस चीज़ की लत पड़ गई, लिख के ले लो मेरे से ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाओगे आप। और फौजी तो बनने का सपना ही छोड़ देना उस दिन जिस आप पोन साइड पे पहुंच जाते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको मतलब इस प्रकार, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ ना, 16 साल से 23 साल का जो एज ग्रुप होता है, ये इतना सेंसिटिव एज ग्रुप होता है कि इस उम्र में इस चीज़ों की कुछ ज़्यादा ही मतलब हार्मोन्स एक्टिव होते हैं इंसान के, चाहे कोई भी हो लड़का या लड़की, उनके कुछ ज़्यादा ही हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, और वो फिर इन चीज़ों में अगर पड़ गया एक बार इन चीज़ों के चक्कर में, क्योंकि वेब सीरीज़ों में आप, मैं बोल रहा हूँ ना, भर भर के पड़ी है अश्लीलता, तो आप वेब सीरीज देखोगे, वहाँ से आपका दिमाग जैसे ही कन्वर्ट होगा, आप पोन साइड पे चले जाओगे, आप पोन साइडों पे जाके ऐसे वीडियो, गंदे गंदे वीडियो देखोगे, गंदी गंदी हरकतें करोगे, दिमाग में वही चीज़ रहेगी, जब भी फ्री रहोगे एक ही काम सूझेगा। तो ये मान के चलिए आपका सबसे बड़ा रोड़ा है, ये सफल नहीं हो पाओगे दोस्तों, मान लिख के ले लीजिए अगर फौजी बनने का सपना देख रहे हो, क्योंकि रनिंग नहीं कर पाओगे आर्मी की। फिर अगर इस एज में आपने अपनी शरीर की जो क्षमता है वो खो दी इन चीज़ों में, तो रनिंग नहीं कर पाओगे दोस्तों, ना आर्मी की कर पाओगे, ना एसएससी जीडी कर पाओगे, किसी की भी, आप चाहे बीएसएफ की तैयारी करो, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआई, सब किसी भी अगर फोर्स या पुलिस की भी तैयारी करते हो, क्योंकि स्टेट पुलिस में भी 10-10 किलोमीटर की रनिंग होती है, अगर आपने इस एज में ये सब काम करना शुरू कर दिया दोस्तों, इन चीज़ों को देखोगे ओरिजिनली आप ये काम करने लग जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है, मेरे से लिख के ले लो। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो इन चीज़ों को देख के फिर इस काम से बच सकता, जिस काम की मैं बात कर रहा हूँ वो आप समझ रहे हो। तो ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो प्रोन साइड पे जाए, वहाँ पर ये वीडियो देखें या कोई भी मतलब ऐसी अश्लीलता वाली वेब सीरीज देखें और उसके हार्मोन्स एक्टिव ना हो, या ऐसी हरकत है। इसकी वजह से कई लड़कों को, और भी जैसे लड़कों या लड़कियों को, और भी कई प्रकार की
नाइट फेल जैसी बीमारियाँ होती है। क्यों होती हो दोस्तों? इस यही रीज़न है, क्योंकि आपके हार्मोन्स इतने एक्टिव कर देते हैं ये चीज़ें, आप इतने मतलब इन चीज़ों से जुड़ जाते हो। तो अगर आपको सफल होना है, अगर आप फोर्स का मेंबर बनना चाहते हो, चाहे पुलिस फोर्स किसी की, तो आपको अपनी शरीर की जो एनर्जी है वो खोना नहीं है दोस्तों। अगर आप अभी इस एज में अगर 16 साल 17 साल 18 साल आपके घुटने बोलने लग जाएंगे, आर्मी की जो बंदा रनिंग करता है ना उससे एक बार पूछ लेना, उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा इन चीज़ों में। जो आर्मी के रनिंग निकाला हुआ आपके पास में, उस बंदे को पूछ लेना कि उसका कितना इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट होगा उसका। और वो जीरो इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, इसीलिए वो आर्मी जैसी रनिंग निकालता है, एक्सीलेंट मारता है। जितने भी आपके आसपास में कोई बंदा अगर एक्सीलेंट मारा हुआ है, उसे एक बार जाके ज़रूर पूछ ले। तो दोस्तों, अगर आप फौजी बनने का सपना देख रहे हो, मैं बोल रहा हूँ इन चीज़ों से पूरा हटके दूर रहो, ना कोई गंदा वीडियो देखो, ना कोई गंदी मूवी देखो, कुछ नहीं होगा। अगर आप नहीं देखोगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें बंद हो जाएगी, वो नेट पे पड़ी है। जिस दिन सफल हो जाओ आप, जिस दिन कुछ बन जाओ ज़िंदगी में, उस दिन के बाद में जाके एक बार चेक कर लेना कि अब मैं देख लेता हूँ। अभी बाबा घंटा ना जाने मन की बात, बाबा से कुछ ना होगा, ठीक है? तो दोस्तों, ये जब दिमाग आप खुद सोचो, जपनाम जपनाम करते रहो, हैं एक रूप महास्वरूप गरीब वाले बाबा की, ये दिमाग में रहेगा ना। जीके के क्वेश्चन कहाँ से दिमाग में आएंगे, मैथ के क्वेश्चन कहाँ से दिमाग में आएंगे? मुन्ना भैया दिमाग में चल रहा है, कहाँ से जीके मैथ के क्वेश्चन दिमाग में जाएंगे? 1% ना जाएंगे। आपका दिमाग तो उनमें पड़ा है, आपका वेट तो दूसरा है कि मिर्ज़ापुर का पार्ट थर्ड कब आएगा, आश्रम का पार्ट थर्ड कब आएगा, तो कैसे पढ़ पाओगे? आपका जो ध्यान अभी पढ़ाई में होना चाहिए वो इन चीज़ों में। और जब आप खुद ये बात, इस बात को तो आप भी मानते हो, मेरे बोलने की जरूरत नहीं कि ये सब दिखावा है, रियलिटी इनमें 1% भी नहीं है, ये सब झूठी चीज़ें हैं, केवल एक एक्टिंग की हुई है। लेकिन आपको इतना कनेक्ट कर देंगे ये लोग कि आपसे असलियत करवा लेंगे, आपकी मतलब नुकसान कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो वो चीज़ बेचनी है जो चल रही है, जो बिके वही बनाना उनको, और यही बिकता है। लेकिन जो मेरे दोस्त आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, इन चीज़ों से दूर रहे, ऐसा कोई गलत काम नहीं करे। आपके शरीर में एनर्जी बिल्कुल बनी चाहिए, दिमाग बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। अगर दिमाग में एक बार ऐसा कीड़ा घुस गया, ख़राब हो जाएगी ज़िंदगी। और मैं बता रहा हूँ, इस एज में सबसे ज़्यादा हार्मोन एक्टिव होते हैं इस प्रकार के। तो आप अगर ऐसी चीज़ देखोगे, ऐसा काम करोगे, गलतियाँ करोगे, तो आपके लिए बहुत भविष्य में बहुत नुकसान हो जाएंगे, आपके अभी से घुटने बोलने लग जाएंगे। तो ना तो ऐसा काम करो, ना ऐसा देखो। अगर देखोगे नहीं तो करोगे भी नहीं, गारंटी है मेरी। अगर देखोगे ही नहीं तो करोगे ही नहीं। तो आप, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आप वेब सीरीज से तो बिल्कुल ही दूर रहे, 100% आप वेब सीरीज से दूर रहे। अगर आपको फिर भी देखने की इच्छा तो मूवी देख लेना, लेकिन वेब सीरीज नहीं देखना दोस्तों। क्योंकि वेब सीरीज इस प्रकार की बना रखी है कि आपको मतलब 10-12 घंटे ख़राब करके फिर अगला चैप्टर दे देंगे, अगले दिन फिर मतलब वही, फिर मतलब उनका 10 दिन 20 दिन बाद में, महीना बाद में फिर चैप्टर आ जाएगा, आप वही देखते रहो, आपके दिमाग में वही चलते रहेंगे, कुछ तो याद होना नहीं, कुछ करना नहीं, और आप कर देंगे झंड। तो दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हो फोर्स की, तो इन बातों का ध्यान रखना। अगर फौजी बनना है तो इन चीज़ों से दूर रहना दोस्तों, नहीं तो वो मैंने जो लिखा ना थंबनेल में कि सॉरी फौजी नहीं बन सकते, वो नहीं बन पाएंगे, गारंटी है मेरी। क्योंकि फौजी बनने के लिए सारी ट्रेनिंग में भी पूरी जान चाहिए, आपको पता ना उस नियम लिखा हुआ था, अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो आपको घर भेज दिया जाएगा। भले ही आप एक बार जैसे तैसे करके रनिंग वनिंग पास हो, अगर ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो घर भेज देंगे। वो ट्रेनिंग में अगर कुछ टूट टाट हो गई आपके, उसका भी जिम्मेदारी डिपार्टमेंट नहीं लेता, आपसे लिखवा के लेगा पहले एग्रीमेंट पे, कि अगर ट्रेनिंग में आपका कुछ भी टूट गया उसकी घंटे की जिम्मेदारी ना है। तो बाबा जाने मन की बात नहीं, पापा जाने मन की बात। तो पापा से पूछ लीजिए मन की बात क्या है, बाबा से नहीं। जय हिंद।